हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एल जी आर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास टेंथ यानी कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 27 नंबर वीडियो है। सोशल साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 26 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपको हम बता दें कि इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी मेरे द्वारा करवाया गया है। तो अगर अभी तक आप इस सभी 26 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको बता दें कि अगर आप इस सभी 26 और आज लगा करके आपका 27 टोटल वीडियो हो जाएगा। अगर आप इस सभी 27 वीडियो को देख लेते हैं और इसके सभी क्वेश्चन का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो यह सभी जो है वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर जो है इस सभी 26 वीडियो को आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज आपका आपको जैसे कि पिछले क्लास में हम आपको बताए भी थे कि इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र आपका सभी जो है खत्म हो चुका है और एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ था आपदा प्रबंधन, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपका आपदा प्रबंधन भी कंप्लीट हो जाएगा और इस तरह से सोशल साइंस आपका चैप्टर वाइज पूरा जो है कंप्लीट आज होने वाला है और इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का भी चैप्टर वाइज आपको इस चैनल पर पूरा कंप्लीट होगा। तो आज के बाद आप लोग जो है टेंशन नहीं लीजिएगा, सामाजिक विज्ञान के लिए टेस्ट आप लोगों के लिए जो है आता रहेगा सभी, जिसमें आपको सभी चैप्टर से मिक्स टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बस आप लोग कमेंट में इतना बता दीजिएगा कि आखिर आप लोगों को कितना बजे टेस्ट चाहिए, ठीक है। तो उसमें आपका लाइव टेस्ट जो है लिया जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपदा प्रबंधन पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, प्राकृतिक आपदा कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, आतंकवाद जो है वह प्राकृतिक आपदा नहीं है। आपको बता दें कि आपदा जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्राकृतिक आपदा और एक होता है मानव जनित आपदा। एक मानव जनित आपदा, प्राकृतिक आपदा उसको कहते हैं जो मानव के द्वारा घटित नहीं होता है, प्रकृति के कारण होता है। और एक है मानव जनित आपदा, मानव जनित आपदा वह है जो मानव के गलती या फिर मानव के कारण होता है, तो उसको हम मानव जनित आपदा कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुनामी मानव नहीं लाता है, बाढ़ मानव नहीं लाता है, भूकंप मानव नहीं लाता है, लेकिन आतंकवाद जो है वो मानव के द्वारा ही होता है। मतलब मानव कहीं ना कहीं बदमाशी है, गलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, कौन नहीं है, तो आतंकवाद यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दो नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में जो है आग के जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति का हाथ जल जाता है तो उस पर तत्काल आप क्या इलाज करेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है ठंडा पानी डालना, बी ऑप्शन है गर्म पानी डालना, सी ऑप्शन है अस्पताल पहुंचाना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर अस्पताल पहुँचाएंगे। देखिए प्राथमिक उपचार यहाँ पर आपसे पूछा गया, कौन सा उपचार, प्राथमिक उपचार। और प्राथमिक उपचार अस्पताल में नहीं होता, आपके घर पे ही होता है। मतलब अस्पताल से जो पहले आप इलाज करते हैं उसको कहते हैं प्राथमिक उपचार, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया। तो यहाँ पर आपको बताना क्या था कि प्राथमिक उपचार क्या करेंगे, तो दो ऑप्शन बच गया आपका, ठंडा पानी डालेंगे या गर्म पानी डालेंगे। तो आप अपना भी हल्का दिमाग लगा सकते हैं कि जले हुए पर आपको गर्म पानी नहीं डालना है, ठंडा पानी डालना है। तो दो का यहाँ पर आपका ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। याद रखेंगे कि ठंडा पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे होगा क्या, उसका जलन जो है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तीन नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा रहा कि भूपटल के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है। भूपटल मतलब जो ज़मीन है इसके अंदर से ही भूकंप का जन्म होता है, तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं। तो तीन का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। याद रखेंगे उसको कहते हैं भूकंप केंद्र, क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, चार नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चार नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए, पूछा जा रहा है कि इनमें कौन मानव जनित आपदा है, मानव जनित आपदा कौन सा है। तो सिंपली यहाँ पर आपको बताना है, तो चार का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा, आतंकवाद जो है वो मानव जनित आपदा है, क्योंकि मानव के द्वारा इसका जन्म दिया जाता है, किसका, तो आतंकवाद का। आगे बढ़ते हैं,
चार नंबर क्वेश्चन है, सॉरी पांच नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो सुनामी क्यों आता है ये आपको बताना है। तो पांच का ये ऑप्शन आप याद रखेंगे, समुद्र में भूकंप आने के कारण सुनामी आता है, जब समुद्र में भूकंप आता है तो पानी इधर से उधर भागती है और इसके कारण सुनामी आता है। आगे देखेंगे सूखा किस प्रकार की आपदा है, सूखा जो है किस प्रकार की आपदा है, तो छ का ये ऑप्शन आप याद रखेंगे प्राकृतिक आपदा है सूखा, ठीक है। नेक्स्ट आप सात नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, पूछा है कि सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है, मतलब सूखा क्यों होता है, तो सात का यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही होगा, वर्षा की कमी के कारण सूखा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं आठ नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, तो सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है, ना कि अचानक या फिर एकाएक नहीं आती है, धीरे धीरे आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नौ नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है, तो नौ का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे वर्षा जल संग्रह करना जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं, वर्षा जल को बचा करके रख सकते हैं, उसको संग्रह करके मतलब एकत्रित करके रखेंगे तो आप सूखा से बच सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बोल रहे थे, तो आपको बता दें कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप केवल 200 से 250 बच्चे ही जुड़ सकते हैं, और आप सभी जानते हैं कि आपका संख्या बहुत ही अधिक है, तो एक ऐसा ग्रुप है जिसमें आप बहुत से बहुत स्टूडेंट जुड़ सकते हैं, और वह है टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम सेम टू सेम व्हाट्सएप के जैसा ही होता है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जो काम आपको व्हाट्सएप पे होता है सारा का सारा सुविधा आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल से, ज़रूर जो है आप लोग वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारा वहाँ पर आपको सुविधा देखने को मिलेगा व्हाट्सएप वाला, ठीक है। जिसके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम सर्च करके, और आप उस पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी, तो भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर टाइम टू टाइम सारा सुविधा आपको दिया जाता है। चलिए दस नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पूछा रहा कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, तो यहाँ पर 10 का जो आपका सही आंसर होगा डी होगा, यानी याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी में। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुँचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है, तो 11 का ये ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे पी तरंग, कौन सा, तो पी तरंग आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा है कि भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है, कौन सा तरीका सही नहीं है, तो 12 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखें भगवान भरोसे बैठे रहना तो किसी के लिए भी सही तरीका नहीं है, कोई भी काम से बचने के लिए, तो यहाँ पर आपका भगवान भरोसे बैठना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि सुनामी किस स्थान पर आता है, तो 13 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे समुद्र में आता सुनामी। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि बस्ती या फिर मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, अगर मकान या फिर बस्ती में आग लग जाता है तो आप क्या करेंगे, तो 14 का यहाँ पर आपका सही आंसर ए होगा, याद रखेंगे फायर ब्रिगेड यंत्र को बुलाना, फायर ब्रिगेड यंत्र यानी कि जो अग्निशामक यंत्र है उसको हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, मलबा जैसे मान लीजिए कि भूकंप आया, नीचे कोई दब गया घर के नीचे मकान के नीचे, तो उसका किससे हम लोग पता लगाते हैं, ठीक है। तो 15 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे इन्फ्रारेड कैमरा के द्वारा मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाया जाता है, इन्फ्रारेड कैमरा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित किस स्थान पर जाना चाहिए, तो 16 का जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर ए होगा, 16 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, ऊंची भूमि वाले स्थान पर आपको जाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, तो 17 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखें कि ठंडा पानी हमें डालना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है, अगर संचार व्यवस्था बाधित होता है तो इसका मुख्य कारण क्या है, तो 18 का यहाँ पर ये ऑप्शन याद रखेंगे केबल का टूट जाना, केबल जानते हैं अगर टूट जाएगा तो फिर आपका संचार व्यवस्था बाधित हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पूछा जा रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, तो 19 का यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे सार्वजनिक टेलीफोन आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है कि कृषि सुखार होता है, तो 20 का ये ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे कि जल के अभाव में, किसके अभाव में, जल के अभाव में।
आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है किसको, तो 21 का ए ऑप्शन आपका जो है सही होगा, याद रखेंगे फसलों को, किसको, फसल को सबसे अधिक जो है, सॉरी यहाँ पर 21 का ए नहीं होगा, देखिए बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती, हाँ यहाँ पर सबसे अधिक हानि अगर पूछ दिया गया तो सबसे अधिक हानि फसल को होती है, क्योंकि पशु को तो हम बचा भी लेते हैं, भवन को हल्का हम सुरक्षित कर लेते हैं क्योंकि भवन हमेशा ऊंचे वाले स्थान पर होता है, लेकिन फसल का सबसे अधिक हानि होता है। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, पूछा जा रहा है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए, तो आप सभी समझ सकते हैं 22 का सी ऑप्शन सही होगा, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर आपको करना चाहिए जहाँ तक पानी न पहुँच सके। 23 नंबर क्वेश्चन है, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण होता है, क्या होता है, तो 23 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखें अनुचित होता है, मतलब अच्छी बातें नहीं हैं। नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो 24 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे आयताकार होना चाहिए जिससे आपका भवन गिरेगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, तो 25 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा डी होगा, याद रखेंगे भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा है। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है, तो 26 का यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे जापान को, जापान एक ऐसा देश है जहाँ दिन में प्रत्येक दिन एक झटका भूकंप का देखने को मिलता है, यानी कि प्रत्येक दिन भूकंप वहाँ आता ही आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो 27 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे नदी की तली में अवसाद का जमना, या फिर जो है 27 का जो सही आंसर होगा, देखिए जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, यहाँ पर अगर नदी में जो है अगर आ रही है, नदियों में बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण क्या है, तो वर्षा की अधिकता है, वर्षा अगर अधिक होगा तो नदी में क्या होगी, बाढ़ आएगी, याद रखेंगे नदी में वर्षा के कारण ही बाढ़ आती है। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, तो 28 का यहाँ पर आपका सही आंसर डी होगा, याद रखेंगे उत्तरी बिहार जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि बाढ़ क्या है, तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, तो 30 का ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, पूछा जा रहा है कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो 31 का यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन सही होगा, सुनामी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन को, 32 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो 32 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे अधिक केंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं, अधिक केंद्र। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 33 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे 5 जून को। नेक्स्ट आप देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो 34 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे 1934 ईस्वी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरह से आपका जो है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान जो है 100% आज आपका कंप्लीट हो जाता है, इसमें इतिहास हो, भूगोल हो, इसके बाद आपका राजनीतिक विज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो, या फिर आपदा प्रबंधन, सभी का चैप्टर वाइज इस तरह से आपका तैयारी आज कंप्लीट हो जाता है। आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर आप लोग जो है बताइएगा, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़ जाइएगा, और अगर आप लोग मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो वहाँ पर सबसे ऊपर आ जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।